बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इसमें यूलर थ्योरम का यूज़ होगा जो कि होमोजेनियस फंक्शन के लिए होती है। इफ़ एफ यानी फंक्शन है ये एक्स बाई जेड का, एक्स का वाई का जेड का इज इक्वल टू 3x² y z + 5 x² z + 5 z^4 then prove that x del f over del x plus y del f over del y plus z del f over del z is equal to 4 f जो कि फंक्शन है x by z का। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फंक्शन जो गिविन है उसको यहाँ नोट कर लेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा ये f फंक्शन होमोजीनियस है। तो उसके लिए हर एक टर्म को देखना पड़ेगा, सभी टर्म में इक्वल डिग्री होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। इनकी अगर इस टर्म की डिग्री देखी जाए तो 2 + 1 + 1 यानी 4 हो जाएगी। इस टर्म की डिग्री देखने के लिए x की 1 पावर है, y की 2 पावर है, z की 1 पावर है, 1, 2 + 1 इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू 4 आ रही है इसकी भी। ऐसे यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 4 पावर है। हर एक टर्म की पावर, हर एक टर्म की डिग्री 1 है, यानी हमारा फंक्शन जो कि उसका हर एक टर्म की डिग्री अगर इक्वल है तो इसे कहेंगे होमोजीनियस है ये, और उसकी डिग्री n n की वैल्यू यानी 4 के बराबर आ गई। अब हम ने पढ़ा है दो वेरिएबल के लिए, यानी यूलर थ्योरम को पढ़ा है जो कि f होता है एक्स वाई, f एक्स वाई का फंक्शन होता है, u f एक्स वाई का फंक्शन होता है, और वो उसमें x की माना n डिग्री है, यानी x की जो मैक्सिमम पावर है वो n है, और माने कि y की भी मतलब जितने भी टर्म इसमें होंगे, इसमें तो हमने दो दिखाए, जैसे ये भी हो सकता है x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1, ऐसे यहाँ पर और भी हो सकते हैं डी x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2 और भी हो सकते हैं। तो लेकिन हर एक टर्म को देखें तो पावर उसकी यानी डिग्री जो है वो n हो तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। उसके लिए यूलर दो वेरिएबल के लिए ये होती है x del u over del x plus y del u over del y is equal to nu। तो इसको जब हम अपने इस फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे जो कि तीन वेरिएबल के लिए है, उसमें और उसकी डिग्री 4 है, तो ये फार्मूला जब यूलर एक्सटेंडेड अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अप्लाई एक्सटेंडेड फार्म ऑफ यूलर थ्योरम x del f over del x plus y del f over del y plus z del f over del z is equal to nf, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर देंगे और यहाँ पर जो प्रूव करना तो आ जाएगा x del f over del x plus y del f over del y plus z del f over del z is equal to 4 f आ जाएगा, यानी जो कि x फंक्शन है x y z का। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।